ओ भाई मुंबई इंडियंस की जो मैनेजमेंट है ना उन पे भी लाना था, और हार्दिक पांड्या पे भी ये लाना था, क्योंकि जिस तरह का मैच उनको तिलक वर्मा ने बना के दे दिया था, इतनी मार खाने के बावजूद एक बैट्समैन जो नया बैट्समैन है आपका यंग टैलेंट है, उसने कहा चलो ठीक है जो मार पड़ी है उसको बुलाते हैं, कम से कम चलो अब मैं अपना काम करके जाता हूँ, चेस की तरफ जाते हैं। 20 गेंदे खा गए हो तुम, लेकिन 20 गेंदों में 24 रन, आप 31 रन से हारे हो, बाकी प्लेयर 20-20 खेल के 20-20 गेंदे खेल के 70-70 80-80 रन बना रहे हैं, तो ये वही जो 30 रन खा गया है उसी से मैच हरवा दिया है। मैं कहता हूं बेशर्मी की हद है, देखिए 20 बॉल खेल के 60 रन यहां पर हर खिलाड़ी बना मार गया है, जो आप देखिए ट्रेविस हेड को देखिए इतनी बॉलों पे वो 60 रन, अच्छा मौका मिला है मुंबई को, इतिहास बना सकते थे कि हिस्ट्री बना सकते थे, पूरे आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैं कहता हूँ फ्रेंचाइज बन जाती, इनको कोई सारे ना मैं कहता हूँ चुप उठा उठा करते, लेकिन इन्होंने क्या किया एंड पे आके हार्दिक पांड्या जो इनका कप्तान है, 100 करोड़ कप्तान, मैच हरवा दिया उसको, मैच हरवाया, आज हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग में भी मैच हरवाया और बैटिंग में भी मैच हरवाया, ये फजूल आदमी है भाई, ये भाई पनौती है, मैंने आपको बताया कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में पनौती बन गया है, एक अपशगुन हो गया है, और ये इसको निकाले, इसका कोई हल निकाले, वरना ये आपको नहीं आगे जाने देगा, मुंबई इंडियंस का फ्यूचर इसके होते हुए ब्राइट नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है ना वो अब मैं बात आगे रेसिज्म आ गया, ये ब्राइट नहीं है, ये वैसे भी काला है, लेकिन इसके होते हुए जो फ्यूचर है ना वो काला होने वाला है, और ये देखे मैच देखे 20 बॉलों पे 24 रन, यार लानत है, यार लानत है तुम पे कि जिस तरह की तुम बैटिंग कर रहे हो, जब मैच तुम जिता सकते हो तुम वहां पर आउट होकर निकल गए हो, यहां पर एक फट्टे बिगड़ गए, और तुम्हें फिर क्या दें, अगर यहां पर तुमसे स्कोर नहीं होना तो फिर कहां स्कोर होना तुमसे, सनराइजर की जब बॉलिंग हो रही थी ना, जब बॉलिंग हो रही थी सब हक्के पक्के रह गए थे, वो उनके भी हाथ पांव सब कुछ भूल गया था, लेकिन वो एकदम से क्या हुआ जी, उन्होंने विकेट ले ली और क्रीज पे आए हैं जी हार्दिक दी ग्रेट पांड्या, वो पांड्या आया है और पांड्या ने जो बेड़ा कर किया है अपनी टीम की मेहनत का, जो बेचारे तिलक वर्मा क्या किसी जिसने भी रन बनाए, बेशक वर्मा हो तिलक हो शर्मा हो जो मर्जी हो, जो ये आया है इसने कहा क्यों जीत क्यों रहे हो, जीतना थोड़ी था, जीते ही नहीं है, जीत सकते नहीं थे ना, इसके होते हुए जीत सकते नहीं थे, अब वही देखिए 60 टीम टेबल बैटिंग कर रहा है, उसने भी इंतहाई नहीं, देखो रक्षा स्टार्ट निकला है, वो स्लो खेला है, बाद में पकड़ा तो आया उसने, पकड़ा तो है, लेकिन स्टार्टिंग में उसने जो 3-4 गेंदे खाई है ना वो भी आप कह लेंगे एक जिस पेस पे गेम हो रही थी ना, आपको लग रहा है कि स्लो खेला भाई, उसने 21 बॉलों पे 42 रन बना दिए, उसने 200 की स्ट्राइक पे उसी पिच पे उसके साथ खड़े हुए कर दिए, हुआ इससे नहीं है, देखिए तिलक वर्मा ने मैच बना दिया अपना, ईशान किशन ने कितना अच्छा स्टार्ट दे दिया, जब मैं मिड इनिंग में बात कर रहे थे हमें तो लग ही नहीं रहा था कि मैच इतना क्लोज जाएगा, लेकिन मैच बना दिया था, रोहित शर्मा ने भी अपना काम कर दिया 12 बॉलों पे 24 करके निकल के, लेकिन जब बात आई कप्तान पे, जिस आपने कहा ग्रेट हार्दिक पांड्या जिसको हटाया गया, जिसको मुंबई इंडियंस में नया कप्तान लाया गया, रोहित शर्मा को हटाया गया, पता नहीं क्या क्या बातें हुई, इतनी फैन फॉलोइंग अपनी गुवाई गई इसके लिए, इस गधे के लिए, शर्मा रोहित शर्मा भी पछता रहा होगा कि मैं किसकी कप्तानी में कर रहा हूं, इतना बुरा वक्त आना था किसी पे, इतना एक लेजेंड प्लेयर इंडिया का, आप कह रहे हैं कि पता नहीं कमाल का प्लेयर रोहित शर्मा, वो किसकी रीजन काम कर रहा है, वो ऐसे लोग ऐसे ऐसे बॉस के नीचे कोई काम करे ना तो मैं तो जो भी छोड़ दूंगा, ये ऐसी घटिया कहले कप्तान है यार, ये मुंबई इंडियंस को शर्म आनी चाहिए, ये ज्यादा ज्यादा इसी की इसकी गलती की वजह से जाएगी ज्यादा मशहूर होंगे, जीत की वजह से मशहूर नहीं होने वाले, देखिए मैं सोचे जरा कि इसको इस वजह से कप्तान बनाया गया कि तुम हमें लीड करो, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को लीड करो और जाके हैदराबाद में जाके 277 T20 में खा लो जाके, इस वजह से इसको कप्तान बनाया गया था, इस वजह से रोहित शर्मा को निकाला गया था, आज तो सर पड़ के बैठे होंगे मुंबई इंडियंस की जो ऑनर था वो भी बैठे होंगे कि यार हमसे तो ये देखा नहीं जा रहा, जो आज हुआ था मैंने आपको पहले बताया था कि जो उनके टीम ऑनर से उनसे तो देखा नहीं जा रहा था, और मुंबई इंडियंस पता नहीं कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, उनके लिए तो बड़ा बुरा वक्त और कड़ा वक्त आ गया, वो ये पछता रहे होंगे कि यार इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, इसको वो ये इंजरी ठीक था, इसकी टांग टूटी हुई जो भी टूटी हुई थी, एक तो इंडिया इंडिया के लिए एक आपके लिए ब्लेसिंग होगी कि ये इंजर्ड रहा है, इंडिया की तरफ ये आ नहीं गया, इंडिया का कप्तान बन नहीं गया, अगर ये शख्स इंडिया का कप्तान बन जाता ना तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता, पाकिस्तानी मैच के लिए बड़ा अच्छा होता, क्योंकि पाकिस्तान जीतता, जब ये होता ना कप्तान तो पाकिस्तान ने जीतना था, ये जो चपड़ी है ना चपड़ी, ये चपड़ी चलने वाली नहीं है इमरान, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हेड पे ना वो एक ग्रीन ब्लू कलर का ना जब लगा के आते हैं वो हेलमेट टाइप का, वो अब वहां से ना ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जब ब्लड ही चलेगा दिमाग में यहाँ से ब्लड ऊपर जाएगा नहीं तो कप्तानी होगी कैसे, जब आप उसको उतारेंगे अपना स्वैग उतार के फेंक देंगे, अगर आपने स्वैग कर रहे हैं ना तो आप बॉलीवुड ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आईपीएल में आपका काम नहीं है, आप यहाँ
पर एक्टिंग कर रहे हैं ऑन द फील्ड, यहाँ पर ऑन द फील्ड जो है ना वो जो बैटिंग में कमाल करे बॉलिंग में कमाल करे उसकी बात होती है, यहाँ पे एक्टिंग नहीं चलने वाली, यहाँ पर स्वैग नहीं चलने वाला। बहरहाल मुझे तो यही लग रहा है कि भाई अब ये रोहित शर्मा ना दोबारा अगले साल कप्तान बनेगा या मुंबई इंडियंस छोड़ देगा, क्योंकि इतने इससे ज्यादा बेइज्जती वो बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। और मुंबई इंडियंस के साथ जो होने वाला है ना, मुझे अभी से नजर आ रहा है कि मुंबई इंडियंस फारिग होने वाली है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इनका कप्तान है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।